युवा मे मधुमत्तमा दिस कॉल इज नाउ बीइंग कर्णाभ्यां रिकॉर्डेड। भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय हरिः ॐ। और चरणों दिवाकर आचार्य जी, आपकी ध्वनि से सुनाई नहीं दे रही है स्पष्ट। दिवाकर आचार्य जी, अभी आ रही है जी, हाँ अभी अब आ रही हाँ है जी। कौशलेश महोदय जी ठीक। को मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कक्षा को पुनः प्रारंभ करें। नमो नमः। नीला चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। पीतांबर परिधाना पीतगंधानुलेपना परमोदय कीर्ति स्यात् परितः सुर सुंदरी ओम भगवत्यै नमः। हरि ओम हरि हरिओम। ओम हरि ओम। जैसा कि कल हमने इस विषय पर जो कि शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे गए थे, हमने उन प्रश्नों पर अपना संवाद किया था, आपस में चर्चा सत्र किया था आज भी, और वो सभी सामग्री आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दी गई है। आगे भी हम आज के दिन हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करेंगे के, और जो जो उसके बिंदु हैं, अन्य जो जो ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन कैसे गलत है या कैसे सही है, इसको हम एक अच्छे तरह से विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी का इस चर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। आगे कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अपने सहयोगी विश्वनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41 से विषय वस्तु को प्रदर्शित करें। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 से कल की विषय वस्तु को प्रदर्शित करें, प्रेजेंटेशन करें उसका। कृपया निवेदन है कि आचार्य जी को छोड़ के बाकी सभी अपने वीडियो और ऑडियो बंद कर रखें। जी, आ गया होगा आप सभी की स्क्रीन पर। अस्तु, आरंभ करते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41। विश्वनाथ जी, पुनरपि प्रेजेंट कुर्वन्तु भवतः स्क्रीन गतम्। पुनः प्रेजेंटेशन से आप आ रहा है सबके सामने। हाँ आया, अब आ गया है। ठीक है जी, सुना। हाँ जी, हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन को देखेंगे। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है, यदि हम आधुनिक शिक्षा में देखते हैं,
वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। नंबर एक आपका स्वतः अध्ययन, नंबर बी आपका आमने सामने अध्ययन, नंबर सी ई लर्निंग, नंबर डी मिश्रित अध्ययन। आप लोगों ने यहाँ पर सी ऑप्शन को अच्छा बता रहे हैं। ई लर्निंग काफी अच्छी पद्धति है और बालक यानी कि स्वतः अध्ययन भी ई लर्निंग में आ जाता है। बच्चा जो आधुनिक उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनकी सहायता से स्वतः ही अध्ययन करने में प्रवृत्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक और विधि अभी आपकी है, डी नंबर पर है आपका मिश्रित अध्ययन। मिश्रित अध्ययन का तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर हम आधुनिक यंत्रों का भी हम प्रयोग करते हैं और जो परंपरागत जो हमको प्राप्त जो एक सहायक उपकरण होते हैं हम उनका भी प्रयोग करते हैं, अर्थात सभी का हम यथोचित प्रकार से उपयोग करते हैं। सभी विधियों में से अच्छी अच्छी बातें हमने ले ली तो वहां पर आप जो आपकी विधि होती है वो मिश्रित अध्ययन विधि आपकी बोली जाती है। तो प्राय यहाँ पर ई लर्निंग वाला सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हम दोनों को यहाँ पर ठीक मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 42 क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राथमिक विद्यालय अर्थात प्राइमरी स्टेज प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे नंबर एक बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, नंबर बी पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, नंबर सी कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है, नंबर डी बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। बिल्कुल आप सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, डी आंसर दे रहे हैं क्योंकि अन्य किसी भी कार्य में महिला पुरुष से कम नहीं है अपितु वह उनसे अच्छे प्रकार से बालकों को प्यार और स्नेह से व्यवहार करके शिक्षा दे सकती है पुरुषों की अपेक्षा, चूंकि पुरुषों का स्वभाव महिलाओं की अपेक्षा सख्त होता है। एक मनोवैज्ञानिक प्रकार से महिलाएं बालकों को ज्यादा अच्छे से शिक्षा दे सकती है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है। एक व्यक्ति है जो कि शिक्षण को व्यवसाय बनाया है और वो आनंदित प्राप्त कर रहा है अपने मन में, तो जब कब होगा ऐसा? नंबर एक उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, नंबर बी विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, नंबर सी अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, नंबर डी उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति को आनंद कब आता है, शिक्षक ही ऐसा समाज का एक ऐसा पद है कि जिसको सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है और वही सम्मान से व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? इसमें सबसे पहले क्या है? व्याख्यान विधि, नंबर बी परिचर्चा विधि, नंबर सी निदर्शन विधि और नंबर चार प्रश्नोत्तर विधि। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्याख्यान विधि में प्रायः छात्र निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता। दूसरी विधि जो आपकी है परिचर्चा विधि अर्थात संवाद विधि, इस विधि में भी छात्र सक्रिय होता है। चतुर्थ विधि आपकी जो है प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि में भी छात्र शिक्षक के साथ साथ क्या होता है आपका सक्रिय होता है। किंतु ये जो आपकी निदर्शन विधि है
वस्तुतः मूल रूप से यह विधि मैं आपको कल बताना चाहता था, समय अभाव के कारण नहीं बता पाया। निदर्शन विधि होती है रैंडम सैंपलिंग। ये विधि प्रायः अनुसंधान की विधि होती है। अनुसंधान में जब अनुसंधाता अर्थात की अनुसंधान करने वाला व्यक्ति अब किनके ऊपर अनुसंधान करे, जिनके ऊपर अनुसंधान करता है उसको वहां पर क्या कहते हैं, न्यादर्श कहते हैं, अर्थात सैंपलिंग करता है। तो वो सैंपलिंग करने की अपने अनुसंधान के विषय में अध्ययन करने के लिए जो एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो आपके निदर्शन विधि मानी जाती है। तो ये एक अनुसंधान की विधि है। लेकिन अगर हम शिक्षण की बात करें तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि और परिचर्चा विधि को उत्तम विधि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन भी किताबों में बुक में भी कुछ गलत या रॉन्ग आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि प्राय प्रश्नोत्तर विधि में और परिचर्चा विधि में दो में छात्र सक्रिय होता है। तो यहाँ पर यदि छात्र इन दोनों विधियों से में भी अगर हम बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि को हम अच्छी विधि मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः क्या क्या होना चाहिए? नंबर ए, उपाय कुशल तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिए। बी, उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। सी, उपाय कुशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। नंबर डी, उपाय कुशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए, आप ये देखिए कि आपका उपाय कुशल सब में है तो आपके स्वेच्छाचारी पहले वाला नहीं होगा, सी आधिकारिक प्रवृत्ति वाला भी नहीं होगा। तो डी और बी बचते हैं, उसमें से जो आपके बी वाला है उसमें सहभागी प्रवृत्ति, शिक्षक का महत्वपूर्ण योग ये यानी शिक्षक का गुण है कि वह बालकों का सहयोगी हो, बालकों की समस्त क्रियाओं में बराबर का सहभागी हो। यही मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि बालकों के साथ में रहना, उनके मित्रवत व्यवहार करते हुए चलना, उनको शिक्षा देना। अतः यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है? आप ये देखेंगे कि लघुकृत शिक्षण स्थिति जो कि छोटी होती है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैक्रो टीचिंग, दूसरा टीम टीचिंग, तीसरा सहभागी शिक्षण और डी आपका माइक्रो शिक्षण। माइक्रो टीचिंग नामक सूक्ष्म शिक्षण होता है। माइक्रो टीचिंग की जब हम हिंदी करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण होता है, और माइक्रो के बाद में जब बच्चे विद्यालय में अभ्यास करने जाते हैं, बीएड के बच्चे विद्यालय जाने से पहले जो शिक्षण करते हैं उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, या आपका लघुकृत शिक्षण कहेंगे। उसके बाद जब बच्चे विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं बीएड करते समय, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है, सिमुलेश। और उसके बाद में एक आपके टीम टीचिंग होती है जिसको के हिंदी में दल शिक्षण कहते हैं। विद्यालय के कुछ शिक्षक मिलकर के एक टीम बना करके क्लास के बच्चों को बारी बारी से जाकर के पढ़ाते हैं। और एक होता है सहभागी शिक्षण, जिसमें के शिक्षक अलग से न होकर के सीखते यानी कि खेलने वाले बालकों के या अध्ययन करने बालकों के समूहों का एक हिस्सा बन करके वहां पर शिक्षण कराता है। तो इस प्रकार से लघुकृत शिक्षण स्थिति यहाँ पर माइक्रो टीचिंग भी है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? आकलन नामक अनुमान किया जाता है। नंबर एक,
स्थान मूल्यांकन, नंबर दो निर्माणात्मक मूल्यांकन, नंबर तीन निदानात्मक मूल्यांकन, नंबर चार अंतिम मूल्यांकन। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के कौन से मूल्यांकन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि शिक्षक ने कितना अच्छा पढ़ाया उसका मूल्यांकन कराना, बालक ने कितना ज्ञान का अर्जन किया उसके मूल्यांकन के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होता है। सिमुलेटेड इवैल्यूएशन जो होता है, सिमुलेटेड इवैल्यूएशन अर्थात निर्माणात्मक मूल्यांकन, वही उनके अंक आदि सामग्री को इकट्ठा करके उनकी फीडबैक प्रदान करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 48 क्वेश्चन देखेंगे। 48 थोड़ा सा टीच कीजिए। हाँ, ये बताते हैं कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए, मतलब आपके प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहण कर्ता के पास होना चाहिए क्या होना चाहिए। नंबर ए केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, नंबर बी केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, ऑप्शन सी केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, और आपका डी योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो यहाँ पर आप सभी लोग भी काफी सही आंसर दे रहे हैं, डी आप आंसर दे रहे हैं, और यहाँ पर भी डी आंसर ही यहाँ पर ठीक माना जाता है, क्योंकि शिक्षा को जो ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी है उस शिक्षार्थी के पास में और जो आपकी पहले की एक दो तीन चीजें वो भी आवश्यक है, किंतु योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसी दोनों में अर्थात डी बिंदु में ऊपर के ए और बी दोनों ही आ जाते हैं, उनका समाहार डी बिंदु में हो जाता है और सी अकेला बिंदु उसका अंक नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पर योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर इन सभी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पर ऑप्शन बिल्कुल आपके मिलते जुलते होते हैं, आपको ये चुनना पड़ता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही है, ये आपको यहाँ पे देखना होता है। तो आप लोग काफी अच्छे से आंसर दे रहे हैं और यहाँ पर डी ऑप्शन ही हम यहाँ पर ठीक मानते हैं, योग्यता और अप्रेरणा का वांछित स्तर अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 जी, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, क्लास कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही दिया है, छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि कक्षा संप्रेषण किसके लिए किया जा रहा है, छात्र के लिए हो रहा है, विद्यार्थी के की संप्रेषण क्षमता उसकी जो ग्रहणशीलता को देख करके विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। बहुत सुंदर, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, परस्पर कक्षा में जब शिक्षक और छात्र आपस में संवाद करते हैं और छात्र छात्र के बीच में संवाद करते हैं तो उससे क्या निकल के आना चाहिए। नंबर एक तर्क वितर्क, नंबर बी सूचना, नंबर सी विचार और नंबर चार विवाद। तो देखिए तर्क वितर्क उभर के नहीं आता, तर्क वितर्क किया जाता है, सूचना शिक्षक छात्रों को दे ही रहा होता है और विवाद आपका होना नहीं चाहिए। अतः यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में परस्पर संवाद से नए विचारों का जन्म होना चाहिए, नए विचार, नए सिद्धांत, नई संकल्पनाएं निकल के सामने आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं 51। अब देखेंगे
दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना, दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना, इस बात से अभिप्राय है। इस बात पे क्या अभिप्राय है आप बताएंगे? कक्षा में दंड देने पर रोक लगा देनी चाहिए, नंबर बी शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, नंबर सी अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, नंबर डी बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना। अगर आप बच्चे को दंड नहीं दे रहे हैं तो बच्चा बिगड़ रहा है, इसको हम लेते हैं, अर्थात बच्चे को दंड तो देना है लेकिन बच्चे को ज्यादा दंड देना भी नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पर आपके कि हमको बालक को दंड देंगे लेकिन कब देंगे? अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। अवांछित नाम जब छात्र बहुत ज्यादा अर्थात गलत व्यवहार करता है उस वक्त छात्र को पनिशमेंट करना चाहिए, लेकिन उस पनिशमेंट को भी इस प्रकार से पनिशमेंट करना चाहिए कि बालक को अंदर से अपने को सुधरने का प्रयास करने का मौका मिले। तो यहाँ पर यही है कि शारीरिक दंड तो नहीं दे सकते आप, अवांछित व्यवहार पर दंड उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, नंबर ए जानकारी प्रदान करना, नंबर बी विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, नंबर सी अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, नंबर डी चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। बहुत सुंदर, यहाँ पर क्या है आपकी अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली, ये जो दी गई है इनमें से डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें बच्चे भी सक्रिय हैं और छात्र भी सक्रिय है, बहुत सुंदर, डी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? देखिए, आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में सामान्य विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं लेकिन एक कम देखने वाला बालक या आंखों से ज्यादा दूर तक नहीं देखने वाला बालक है, एक दृष्टिहीन बालक है, तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो नंबर एक, अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश छात्र को हानि उठानी पड़ सकती है, नंबर बी कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख रखना, नंबर सी आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नंबर डी आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो आप देखिए इसमें देखेंगे, इसमें ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है और सी ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन बी और डी आपस में मिलते हैं, इन दो में आपको देखना है कि अच्छा कौन है। तो कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करेंगे, ये भी अच्छा है, लेकिन उसके आगे क्या है, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये ऑप्शन ज्यादा सही होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? देखो, मैंने आपको कल बताया था उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषय के बारे में बालकों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण करता है उसको उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। तो इनकी कौन सी विशेषता नहीं होती है आप बताएंगे? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता और वैधता। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, अस्पष्टता विशेषता नहीं होती है। अस्पष्टता क्या होता है? एक दोष होता है, अर्थात कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा उस परीक्षण में। विश्वसनीयता और वैधता और वस्तुनिष्ठता ये किसी भी परीक्षण के अच्छे होने के मापदंड या मानदंड दोनों ही माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर है। ओके, स्पष्टता
ये उसकी विशेषता नहीं होती है। आगे देखेंगे 54 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है, क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? तो आप देखेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया क्षेपित, एपिडाइस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। देखिए आपने अधिकांश लोगों ने बीएड किया होगा, मैं आपको बताता हूं कि प्रक्षेपित साधन क्या होता है कि जिसके द्वारा यंत्र विषय की सामग्री को दूर तक फेंकता है, अर्थात प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इसको भी, अर्थात यानी कि प्रक्षेपण करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर विषय वस्तु को फेंका जाता है। तो आपने देखा होगा ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर ऐसा ही करता है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी ऐसा ही करता है, और आपका एपिडाइस्कोप भी ऐसा ही करता है, किंतु ब्लैक बोर्ड अपनी छाया कहीं दूसरी जगह नहीं डालता, इसलिए आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, अप्रक्षेपित साधन है, नॉन प्रोजेक्ट टूल्स है ये, ठीक है। अर्थात ये किसी भी विषय वस्तु को दूसरे देश, आपने नहीं देखा होगा जैसे एलसीडी होता है, आपने देखा होगा कि एलसीडी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दीवार या स्क्रीन पर चल रहा होता है, तो वहां पर आप देखते हैं कि वही क्या होता है, आपका प्रक्षेपित साधन माना जाता है, एलसीडी भी प्रक्षेपित है, ठीक है। यहाँ पर आपके ब्लैक बोर्ड भी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है, एक अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड पर जब लिख रहा है तो कौन सी पद्धति सही मानी जाए, अच्छी मानी जाएगी? नंबर एक, तेजी से और जहां तक संभव हो स्पष्ट लिखना। नंबर बी, सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना और फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना। नंबर तीन, सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसा ही लिखना। नंबर डी, मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किंतु इनमें से कौन ज्यादा सही है? तो देखिए कि तेजी से और संभव हो स्पष्ट, ये ज्यादा स्पष्ट नहीं लगता है, उस विषय वस्तु को पूरी विषय वस्तु को शिक्षक लिखेगा फिर बच्चों से पढ़वाएगा 30-40 मिनट यूं निकल जाएगा, ये भी सही लगता। सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना फिर उत्तर को बिल्कुल वैसा ही लिखना, ऐसा भी संभव नहीं है, अपितु मुख्य बातों को जहां तक यानी कि शिक्षक के द्वारा लिखने में संभव हो सके, शिक्षक स्पष्टता के साथ में मुख्य बिंदुओं को, मुख्य मुख्य बिंदुओं को चांपट पर लिखे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल आपका सही है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने भी डी आंसर को बताया है, उनके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन देखेंगे। 57, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। नंबर बी, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है। नंबर तीन, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है। नंबर चार, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। इसमें आप बताइए आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए इसमें अधिकांशतः सभी हमको ऐसे लग रहे हैं कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखिए, विद्यार्थी को बेहतर नागरिक बनाना शिक्षक का नहीं अपितु समाज का भी कार्य है, नागरिक बनने में बहुत समय लगता है, तो ये आपकी एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, ये अच्छा है। विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण करता है, लेकिन क्या है सबसे ज्यादा क्या होगा, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से बालकों के सामने पेश करना, प्रस्तुत करना है, ये एक अच्छा सफल अध्यापक इस प्रकार से सफल हो पाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डी ऑप्शन सबसे अच्छा माना जा सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे 58, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या तात्पर्य है, गत्यात्मक उपागम क्रिएटिव अप्रोच का क्या तात्पर्य होता है?
नंबर एक, अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। नंबर तीन, अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर गत्यात्मक उपागम का मतलब है क्रिएटिव अप्रोच, अर्थात बच्चे एक्टिव रहें। तो एक्टिव रहें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाता है, अर्थात शिक्षक गत्यात्मक उपागम का प्रयोग करके बालकों को पढ़ाता है। अर्थात जितने ज्यादा बच्चे क्रिएटिव होंगे, एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसमें सही माना जाता है। नहीं, अध्यापकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ऐसा किसी ने बताया, लेकिन ठीक है, ये ऑप्शन भी, ये बी और डी, इन दोनों ऑप्शनों में सीखने वाला विद्यार्थी है और अध्यापन के प्रति शिक्षक गत्यात्मक उपागम का उपयोग यदि करेगा, तो इन दोनों में यहाँ पर डी ऑप्शन ज्यादा सही माना जाता है कि बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीखें, ऐसा शिक्षक अध्यापन से अपनी अपेक्षा करें। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि नंबर एक, बालकों को जो चाहे करने दें, नंबर बी, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, नंबर सी, बालकों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, नंबर डी, उनसे नरमी के साथ में दृढ़ता बरते। अगर शिक्षक कक्षा में प्रभावी अनुशासन बिठाना चाहता है तो नंबर ए तो इसमें है नहीं, नंबर बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, नंबर सी आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल है, इसमें छात्र अपनी जो अनुशासन के लिए, जो यानी कि अनुशासन को भंग करने वाले छात्र हैं, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लग जाएंगे, तो शिक्षक कुछ समस्याओं को हल करने को वहां पर दे दे, ये अच्छा आंसर है। और क्या, उनके उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। तो यहाँ पर कुछ स्पष्टता नहीं है, उससे ज्यादा स्पष्टता यहाँ पर सी ऑप्शन में प्रतीत होती है कि छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। तो बच्चे क्या है कि अपने कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंकिंग की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखेंगे 60 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है, शिक्षक सहायक की जो सामग्री है वह अच्छी यानी कि प्रभावी वह है जो नंबर ए रंग बिरंगी और देखने में अच्छी हो, नंबर बी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, नंबर सी सभी विद्यार्थियों को दिखाई देती हो, नंबर डी बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। आप सभी ने बी का प्रायः चुना है, बहुत सही आंसर है। इन सब में सबसे सही आंसर यहाँ पर बी है कि अच्छी सहायक सामग्री शिक्षण की वो है जो बालकों की, विद्यार्थियों की, सभी ज्ञानेंद्रियों को ठीक प्रकार से विकसित करती हो, उनको ज्यादा सक्रिय करती हो। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। आगे देखेंगे 61 क्वेश्चन देखेंगे, 61 क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, सी अच्छे अंक प्रदान करते हैं, डी उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका, चलिए बी आंसर ही है इसका। ठीक है,
आगे देखते हैं 62 क्वेश्चन देखेंगे। 62, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष है, उसके वातावरण का मूल तत्व क्या है? शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, सी संपूर्ण शांति और सख्त कठोर अनुशासन। तो आप लोगों ने सही आंसर बी का चयन किया है, अर्थात वातावरण का मूल तत्व क्या होता है? शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। वस्तुतः शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वह ही सीखने का और सिखाने का आधार होती है। तो यही वातावरण का मूल तत्व माना जाता है, ठीक है, कक्षा कक्ष में। आगे चलेंगे, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 63 क्वेश्चन देखेंगे। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे, जैसे आप कहीं विद्यालय में नियुक्त हुए आप और कोई छात्र आपसे आपका परिचय पूछ रहा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए, उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें, संक्षेप में अपने बारे में बताएं, इस मान की उपेक्षा करें और पढ़ाना शुरू करें, और नंबर डी, इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटें। तो देखिए, आप जहां पर यदि शिक्षक के व्यवहार का आता है तो आप अपना वहां पर ले जा करके आप अपने को उस स्थान पर रखिए। अगर मैं कहीं जाता हूँ, बच्चे परिचय पूछते हैं, तो संक्षेप में मैं अपने बारे में वहां पर बताऊं, ज्यादा ना बताएं, सामान्यतः जितना आवश्यक है परिचय उतना बताएं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 64 क्वेश्चन देखेंगे। नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है, मोरल वैल्यू का विकास किया जा सकता है, यदि अध्यापक क्या करे? बार बार मूल्यों की बात करे, बी स्वयं उन पर आचरण करे, सी महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, डी देवी देवताओं की बात करे। तो सबसे बड़ी बात होती है, नैतिक मूल्य का यदि बालकों में विकास करना है तो आपको स्वयं उनके ऊपर बालकों को करके दिखाना पड़ेगा। आपके व्यवहार में नैतिकता होनी चाहिए। बालक शिक्षक के व्यवहार को देखता है और देखने के बाद वो वैसा ही व्यवहार करता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी देखिए, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन का चयन करना है, बाकी तो यहाँ पर बार बार मूल्यों की बात करने से भी बालकों में मूल्यों का विकास होगा, बालक उसके प्रति जागरूक होंगे, किंतु हमें सबसे एक जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आंसर लेना है हमें, वो हम स्वयं उन पर आचरण करें, ठीक है। जब बालक क्या करता है, बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। आप लोग देखते होंगे प्राय, हम जब शिक्षक थे तो हम अपने शिक्षक कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बीच बीच में शिक्षक उदाहरण करते हैं, तो हम ये सब बातें सीखते थे और उनके सीखने से हम उन्हीं के समान पढ़ाने का करने का प्रैक्टिस करते थे। तो वस्तुतः हमेशा विद्यार्थी अपने शिक्षक की प्रतिलिपि होता है, फोटोकॉपी कह सकते हैं, ठीक है। तो अतः शिक्षक यदि व्यवहार अच्छा रखेंगे तो स्वतः ही बच्चों में नैतिकता का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 65 क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? सही, नंबर एक, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, नंबर दो, वर्ष में दो बार मूल्यांकन, नंबर तीन, सतत मूल्यांकन, नंबर चार, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, और में से अच्छे से नहीं किया जा सकता है, सही मूल्यांकन करने के लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना अति आवश्यक होता है, हमेशा चलने वाला मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए
66 देखते हैं, 66 विश्वनाथ जी बहुत अच्छे प्रकार से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, आप बहुत अच्छे से इसको सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। 66 ऑप्शन देखते हैं हम के विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित नहीं, ये हो गया है 66 देखेंगे। मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वो अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? नंबर एक, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बी, उसे बताए कि वो उसके घर कभी ना आए। सी, उसे बताए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का समाधान स्वयं करे। और डी, उसे युक्तिसंगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बी सी ये तीनों मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और शिक्षक की दृष्टि से सही नहीं माने जा सकते। डी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि उसे युक्तिसंगत सहायता दे। युक्तिसंगत बोलने में वो जितनी कर सकता है उतनी दे, उसके माता पिता से भी मिल लेगा, ये बात इसमें आ जाती है, और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे, ठीक है, अगर घर जाता है तो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 67 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 67 क्वेश्चन विश्वनाथ जी, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? आप अध्यापक हैं, बच्चे कुछ आपकी क्लास में शोर मचा रहे हैं, आप क्या करेंगे? उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना नहीं करेंगे, उन विद्यार्थियों को पृथक रखेंगे, ऐसा भी नहीं होगा प्रायः, अपनी सत्ता के साथ में उस समूह का सुधार करेंगे, उसके लिए भी अलग से आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। डी एक सही आंसर हो सकता है, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, आप देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में शिक्षक कभी भी बालकों के विरुद्ध उनके साथ में व्यवहार नहीं कर सकता है, अतः शिक्षण हमें बालकों के लिए करना है। पहले क्या होता था कि ये एक नया सिद्धांत आया कि शिक्षा बालक के लिए है या बालक शिक्षा के लिए है। अगर बालक शिक्षा के लिए है तो शिक्षा बड़ी है, और अगर शिक्षा बालक के लिए है तो बालक बड़ा है। तो हम ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, इसलिए बालक की अनुसार ही हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए या होती करनी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर सही यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। ठीक है, आगे देखेंगे 68 नंबर, 68 क्वेश्चन विश्वनाथ जी, जी जी आपने ठीक कहा, बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान में कौन सी शिक्षा चल रही है? बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात बालकों की रुचि अभिवृत्ति के आधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन का है? आपको बताना है कौन प्रक्षेपित साधन है। ब्लैक बोर्ड नहीं है, त्रिविम प्रदर्शन, डायोरमा ये भी नहीं है, ग्लोब ये भी नहीं होता है, छाया, क्षेपित्र, एपिडाइस्कोप जो कि छाया को विषय वस्तु को सामने की ओर फेंकता है, तो यहाँ पर प्रक्षेपित साधन आपका सी हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, सी सही है यहाँ पे। ओके, आगे देखेंगे 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक को प्रश्न पूछने में, अध्यापक को
प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। कौन कौन से? अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना ज्यादा संभव हो उतने प्रश्न, निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर हम अध्यापक को प्रश्न पूछने में हम धारावाही मान सकते हैं अगर वो पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि अर्थपूर्ण प्रश्न, ये भी एक सही आंसर है, जितना संभव हो उतने प्रश्न, ये ठीक नहीं लगता, निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, ये भी सही नहीं लगता, डी निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न, ये सही लगता है हमको। अतः यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक माना जाना चाहिए, यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक निश्चित समय में शिक्षक बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्नों को पूछ सके, उसी को हम धारावाही शिक्षक माना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70 क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है, सबसे ज्यादा अनिवार्य कौन सी विशेषता है? नंबर एक, वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वह सुवेश भूषा में होना चाहिए। दो, नंबर तीन, उसमें धैर्य होना चाहिए। नंबर चार, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षक का मूलभूत कार्य क्या होता है कि अपने विषय में भी उसको निपुण होना चाहिए, विद्वान व्यक्ति भी होना चाहिए और सुवेश भूषा वाला भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात शिक्षक की होती है क्योंकि उसके अंदर धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर शिक्षक में धैर्य नहीं होगा तो वो अच्छे प्रकार से शिक्षण नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो इन ऑप्शन में यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को ही टिक लगाना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? समय की पाबंदी और गांभीर्य, बी विषय में निपुणता, सी विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली, विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो देखिए अच्छा अध्यापक होने के लिए इन चार ऑप्शन में से हम सबसे अच्छा ऑप्शन देखेंगे प्रायः शिक्षक को अपने विषय में भी निपुण होना चाहिए और बालकों के प्रति, समाज के प्रति, अन्य शिक्षकों के प्रति उसको प्रतिक्रियाशाली भी होना चाहिए, अर्थात सक्रिय शिक्षक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को हम सबसे अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को हम सबसे अच्छा मान सकते हैं यहाँ पर 71 का। आगे देखेंगे आप 72 क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? अध्यापक को यदि एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है, तो सबसे पहला उत्तरदायित्व किसका है? बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का या समुदाय का? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर का चयन किया है, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्वयं अध्यापक का ही अपने प्रति दायित्व होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। आगे देखेंगे 73 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही का आपको चयन करना है। नंबर एक, पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है वो पाठ्यचर्या का परिशिष्ट, परिशिष्ट मतलब सबसे भाग, अंतिम भाग होता है, उसको लगाते हैं। नंबर बी, पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है? नहीं रहती है। पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा शामिल होती हैं? ये सही बात है। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते? ये गलत बात है। अतः पाठ्यचर्या समस्त प्रकार की गतिविधियों का एक पूर्ण समावेश पाठ्यचर्या होती है और उसमें औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्ति के साधन भी समाहित होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। देखिए ये अध्यापक के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ ना कुछ तीन चार प्रकार के होते हैं, तो उनमें से जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी पर हमें टिक करना चाहिए। जैसे एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, बी शांत और प्रतिक्रियाशील हो, नंबर सी सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, नंबर डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। इसमें कौन सा है आपका सही? संवेदनशील और अनुशासन प्रिय, ये भी अच्छा है। शांत और शांत शिक्षक को ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रियाशील होना चाहिए, शिक्षक शांत नहीं होना चाहिए। शांत का मतलब शिक्षक अशांत भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर शांत रहने वाला शिक्षक भी नहीं अपितु एक्टिव होना चाहिए। सहनशील गुण है, लेकिन एक शिक्षक के हिसाब से संवेदनशील शिक्षक प्रत्येक के प्रति हर वस्तु या विचार के प्रति संवेदनशील हो और अनुशासन प्रिय हो। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना जा सकता है। ठीक है, सही है। आगे देखेंगे 75 क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये अलग अलग समय में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनके साथ साथ लिखा है, यूजीसी नेट दिसंबर 2010 का है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इन ये जो चार विशेषताएं दी हैं, इनमें से विषय का गुण ज्ञान, अच्छी संप्रेक्षण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता और प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो देखिए इसमें से छात्र कल्याण की चिंता तो नहीं होगा, ये मतलब सबसे ज्यादा में नहीं आएगा, और प्रभावी नेतृत्व के गुण भी नहीं है, डी बी सी डी नहीं है, अच्छी संप्रेषण क्षमता और विषय का गुण ज्ञान। तो प्राय यहाँ पर हम ए का ही चयन करेंगे, क्योंकि जो विषय का एक अच्छी से ज्यादा गुण ज्ञान शिक्षक को होगा, यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 76 क्वेश्चन देखेंगे हम। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवारों के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। अगर वो ज्यादा पूछ रहा है, अधिगम जिज्ञासा है, तो वो बालक प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे 77 क्वेश्चन देखेंगे। बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। 77 क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? शिक्षक और छात्र के संबंधों में कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, नहीं बिल्कुल। कक्षा कक्ष तक सीमित, ये भी बिल्कुल नहीं। सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण, ये सही है। और उदासीन, ये नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। हम बालकों की जो अचीवमेंट है उसमें सुधार कर सकते हैं यदि हम माता पिता को प्रेरित करें। किस कार्य के लिए? अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था के लिए। इसके बारे में चिंता न करें, बार बार अध्यापक के साथ अंतक्रिया न करें। सी और डी तो बिल्कुल नहीं है, बी भी सही नहीं है। एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। बहुत सुंदर, ये ऑप्शन सही है। आप सभी लोगों ने भी सही आंसर दिया। चलिए 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन भी सुना जी। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि एक सजीव क्लास चल रही है, तो उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है? ए समय समय पर हंसी के फब्बारे उड़े, संपूर्ण
शांति रहे, बार बार शिक्षक छात्र वार्तालाप हो और छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। ए बी और डी तो बिल्कुल नहीं है, तीनों गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सभी लोग भी ठीक आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक क्या करे, उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें, उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे। नंबर सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। नंबर डी, कठोरता के साथ वहां से चले जाने। देखिए ई ए और बी और डी बिल्कुल नहीं है, शिक्षक वहां पर नम्रता और कठोरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में ऐसा करने के लिए मना कर दे। ठीक है, आगे चलिए 81 देखेंगे। लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित है? लिखित सामग्री जो है उसका सही मूल्यांकन किस पर आधारित हो, किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? नंबर एक, भाषाई अभिव्यक्ति पर होना चाहिए। तार्किक प्रस्तुति है बालक की, उस पर भी होना चाहिए। जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, एक बार हमने जिस प्रश्न का लिखित आंसर लिख दिया भाषा में, वैसा ही हम पुनः दोबारा प्राय नहीं लिख सकते हैं, कुछ अलग प्रकार से लिखेंगे। और विषय का परिज्ञान, इन तीन पे करना चाहिए। सी को वहां पर हम मूल्यांकन का आधार नहीं बना सकते कि बालक फिर से बिल्कुल वैसा ही लिखे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, लिखित सामग्री में सी सही है। 82 देखेंगे, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? आप बताएंगे, शिक्षण को मनोरंजक बनाना, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण के लिए, विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा डी अच्छा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। ए, मनोरंजन बनाना अच्छा है लेकिन इससे अधिगम के साथ में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, शिक्षक को पढ़ाना होता है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करना विषय वस्तु पर, यह भी अच्छा है, किंतु विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, विद्यार्थियों को जो शिक्षण के जहां पर शिक्षण अपना शिक्षक पढ़ाना चाहता है उस विषय वस्तु तक विद्यार्थियों को ले जाए और उसके पूरे बारे में सीमा में अध्ययन कराए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 83 क्वेश्चन देखेंगे। अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान उपज हैं, किसकी उपज हैं ये? एटीट्यूड इत्यादि जो है कौशल ज्ञान, सीखने की प्रक्रिया का, शोध का, वंशानुगतता का या व्याख्या का? तो ये सब सीखने की प्रक्रिया के उपज होती है। अभिवृत्ति वहीं से आती है, संकल्पना, कौशल, ज्ञान ये कहां से? सीखने की प्रक्रिया से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 83 क्वेश्चन देखेंगे आप, 83 हो गया, 84 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम, ऊपर वाले में आपने देखा सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से हैं, तो इसमें आपकी अभिवृत्ति, संकल्पना और ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का परिणाम होता है, परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता इन सबको मिलने के बाद में, काफी समय बाद में मैच्योरिटी का डेवलपमेंट होता है, अतः परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं माना जाता। ठीक है, डी। चलिए और थोड़ा देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। आगे देखेंगे आप, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है, अध्यापक का सबसे पहला कार्य मतलब ज्यादा जरूरी कार्य क्या है अध्यापक का? विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना,
विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति को भरना। तो प्राय यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होता है कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों के विकास में सहायता पहुंचाना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, अध्यापन अभ्यास के बाद और प्रत्येक समय। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सी और डी तो नहीं हो सकते, सी और डी यहाँ पर ऑप्शन में ठीक नहीं है। माइक्रो टीचिंग कब कराते हैं? जब बच्चा टीचिंग कराने जाता है उससे पहले ही बालक एक एक स्किल का अभ्यास करता है। तो यहाँ पर प्रायः अध्यापन अभ्यास के दौरान यानी कि पढ़ाने के प्रैक्टिस करने के समय ही माइक्रो टीचिंग प्रभावशाली होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के। अगर बच्चा माइक्रो टीचिंग को पढ़ाने के लिए अभ्यास कर रहा है तो वहां पर आपका एक ऑप्शन आपका सही होता है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के। ठीक है, माइक्रो टीचिंग यहाँ पर प्रभावशाली होती है। आगे देखेंगे 87 देखेंगे, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन और मनोरंजन। ये आप लोग बताएंगे अच्छे से आपको क्या अच्छा लगता है। लोगों ने ए भी बताया है, डी भी बताया है, बी भी बताया है। तो प्रायः विद्यार्थी अपने अध्यापक में करुणा की भी झलक देखना चाहता है, आदर्शवादी दर्शन भी देखना चाहता है, अनुशासन भी देखना चाहता है और मनोरंजन भी देखना चाहता है। तो ये आपका सोच है, यहाँ पर एक अध्यापक में प्राय करुणा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर करुणा है तो उसका आदर्शवादी दर्शन अपने आप ही होगा और वो व्यक्ति स्वतः ही अनुशासित होगा। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हम ठीक मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, उसका विषय पर अधिकार और विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिक्षकों के बारे में कि प्रायः उनको व्यवसाय, क्योंकि उस वक्त भारत में उद्योग आदि का विकसित नहीं था, वो विदेश में थे, शिकागो में। तो वो ये मानते थे कि शिक्षक की सफलता यह है कि शिक्षक ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित हो। वो आधुनिक शिक्षा के पक्ष में थे स्वामी विवेकानंद जी, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण मिले और उनका जो मौलिक चिंतन है, जो सृजनात्मकता है, वो और ज्यादा विकसित हो। तो यहाँ पर शिक्षक की सफलता उनके आधार पर बी को हम यहाँ पर ठीक मानते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन सही है। आज का समय हो गया है तो मैं आचार्य दिवाकर जी से इस चर्चा सत्र को समाप्त करने की अनुमति। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? हरिओम महोदय जी। जी महोदय जी, कौशल महोदय जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया और बहुत सारे प्रश्नों को आज देखा, और मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो लोग जो कुछ लोग आज कक्षा में नहीं थे या प्रश्नों को जो छूट गए जिनके अभ्यास नहीं कर पाए, वो YouTube संस्कृत प्रदेश YouTube चैनल पर ये लाइव भी चला है, वहां पर जाकर वो इसका अभ्यास। पुनः तो आप सभी को प्रणाम, पुनः मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और कौशल महोदय जी आपको भी मेरा प्रणाम, और हम कल पुनः 5:30 बजे कल मिलते हैं सभी लोग जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। जी जी जी।